हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू क्रिएशन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये बहुत ही ब्यूटीफुल टू कलर स्वेटर डिज़ाइन। तो देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। और ये जो डिज़ाइन है ये आप बच्चों के स्वेटर या जेंट्स स्वेटर या किसी भी स्वेटर में आप बना सकते हैं, ये बहुत ही प्यारा लगेगा। इसको डिज़ाइन को आप कैप में भी बना सकते हैं। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए देखिए हमें फंदे जो हैं वो 6 के मल्टीपल में लेने हैं और 3 ऐड करना है। तो ये मैं आपको सैम्पल बना के दिखा रही हूँ। तो इसमें देखिए मैंने यहाँ पे टोटल 15 फंदे लिए हैं, 12 फंदे जो हैं वो 6 के मल्टीपल में और प्लस 3 ऐड कर दिया है उसमें। ये देखिए हमारी पहली सिलाई है, इसे हमें देखिए पूरा उल्टा उल्टा बुनना है। ये पहली सिलाई देखिए कंप्लीट हो गई है। अब ये देखिए दूसरी सिलाई है, इसमें हमें पहला फंदा तो स्लिप करना है, उसके बाद दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे 5 फंदे स्लिप करने हैं। तो पहले हम ऊन को अपनी तरफ करेंगे, उसके बाद देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे स्लिप करेंगे। फिर ऊन को देखिए पीछे करना है और एक फंदा सीधा बुनना है। ये हमें देखिए टाइट नहीं करना है, इसे थोड़ा सा लूज ही रहने देंगे हम। अब ये एक फंदा सीधा बुन लिया, फिर ऊन को अपनी तरफ करेंगे और फिर 5 फंदे स्लिप करेंगे। तो 1 2 3 4 और ये 5। फिर ऊन को पीछे करके ये एक फंदा सीधा और लास्ट में हमारा ये एज स्टिच है तो इसे भी हम सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए हमारी दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई और ये हमारा राइट साइड है। अब ये देखिए तीसरी सिलाई है रॉन्ग साइड, इधर से हमें देखिए पूरा उल्टा बुनना है। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे हम और सारे फंदे हम उल्टा बुनेंगे। ये तीसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब ये देखिए चौथी सिलाई है राइट साइड से, सेम जैसे हमने दूसरी सिलाई बनाई थी वैसे ही बनाना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद एक फंदा सीधा, फिर 5 फंदे स्लिप करने हैं। तो स्लिप करने से पहले ऊन को अपनी तरफ करना है और ये 5 फंदे स्लिप करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। उसके बाद ऊन को पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा, फिर ऊन को अपनी तरफ करेंगे, 5 फंदे स्लिप करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर ऊन को पीछे करेंगे और ये एक फंदा सीधा और लास्ट वाला हमारा एज स्टिच है। तो देखिए दोनों जो ये 5-5 फंदे हैं इनके बीच में सिर्फ एक सीधे फंदे का गैप है। ऐसे ही आप जब आगे डिज़ाइन बनाएंगे तो एक सीधा फंदा, फिर उसके बाद 5 फंदे स्लिप करने हैं, फिर एक सीधा फंदा, ऐसे ही करते हुए हमें डिज़ाइन बनाना है। तो ये देखिए चौथी सिलाई राइट साइड कंप्लीट हो गई है। ये सिलाई हम पूरा रॉन्ग साइड उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फिर देखिए जब हम राइट साइड में आएंगे तो जैसे हमने यहाँ पर राइट साइड में बनाया है वैसे ही हमें यहाँ बनाना है। तो टोटल अभी 4 सिलाइयाँ हमें और बनाकर कंप्लीट करनी है। ये देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक टोटल 8 सिलाइयाँ बनाई है और इसमें देखिए ये 4 लाइंस बनी है, 1 2 3 4। और अभी देखिए हम रॉन्ग साइड पर हैं और यहीं पे हम अपना सेकंड कलर लगाएंगे। तो रॉन्ग साइड में हम इसे उल्टा बुनते हुए सेकंड कलर लगा लें। तो ये हमारी 9वीं सिलाई रॉन्ग साइड से कंप्लीट हो गई है। अब ये देखिए हमारी 10वीं सिलाई है, इसमें हमें पहला फंदा स्लिप करना है, उसके बाद यहाँ पे ये जो साइड वाला फंदा है इसे सीधा बुनेंगे,
फिर ये जो बीच के पांच फंदे थे इनमें से हमें ये दो फंदा जो है स्टार्टिंग के इसे सीधा बुनना है। यानी स्टार्टिंग में देखिए हमारे ये एक एज स्टिच और ये तीन फंदे हमने सीधे बुने हैं। अब ये नीचे जो चार लाइंस दिख रही हैं इसी में से हमें फंदा उठाना है। तो देखिए हम कैसे उठाएंगे, ये तीन के नीचे से हम इसे ले जा करके ये सबसे लास्ट वाले को हमें ऊपर लाना है, ये ऐसे, और इसे सिलाई पर हम चढ़ा देंगे और फिर इन दोनों को हमें एक साथ सीधा बुन लेना है, ये ऐसे। फिर ये हम जो पांच फंदे में से ये दो फंदे इधर हमने सीधे बुने थे तो इधर भी हम ये दो फंदे सीधे बुनेंगे। अब देखिए फिर से ये बीच का एक फंदा सीधा और ये जो पांच फंदे में से दो फंदे इधर सीधे बुनेंगे, दो फंदे इधर, और बीच वाले फंदे को जो हमें है नीचे वाले को साथ में लेके बुनना है। तो पहले दो फंदा सीधा बुनेंगे और अब ये इन तीनों के नीचे से जाते हुए ये एक नीचे वाला फंदा उठाएंगे और इसे सिलाई पर लेंगे और इसे भी हम सीधा बुनेंगे। और लास्ट के बचे चार फंदे हैं इसे सीधा बुनेंगे। ये देखिए दसवीं सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब ये ग्यारहवीं सिलाई है रॉन्ग साइड से, तो इधर हमें देखिए सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। ये सिलाई कंप्लीट हो गई। अब देखिए हम ये राइट साइड में आ गए और ये हमारे देखिए बारहवीं सिलाई है। अब इसमें देखिए हमें क्या करना है, पहला फंदा तो स्लिप करेंगे, उसके बाद ये तीन फंदे सीधे, और देखिए ये जो बीच वाला फंदा है इसी के साथ देखिए वापस से हम ये जो सबसे लास्ट वाला है इसे लेकर बुनेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये दो के नीचे से ले जाते हुए ये जो सबसे लास्ट वाले को ऐसे ऊपर उठाना है और इन दोनों को एक साथ सीधा बुनना है। फिर देखिए यहाँ में बीच में पांच फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। और देखिए ये बीच वाला फंदा है और इन दोनों लाइंस के नीचे से हम ऐसे करके ये सबसे लास्ट वाला फंदा उठाएंगे और फिर इन दोनों को एक साथ बुनेंगे। फिर लास्ट के जो ये हमारे चार फंदे हैं इसे हम सीधा बुन लें। तो ये सिलाई भी देखिए कंप्लीट हो गई है। फिर अब देखिए रॉन्ग साइड है तो रॉन्ग साइड हमें पूरा उल्टा बुनना है। ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। फिर से देखिए राइट साइड में आ गए हम। अब फिर देखिए हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना है। तो ये पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद ये तीन फंदे सीधे, फिर देखिए अब हमारे यहाँ पे दो लाइन, तो ये एक लाइन के नीचे से उठाते हुए हम इसको ऐसे करेंगे, सिलाई पर लेंगे और इन दोनों को सीधा बुनेंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर बीच में पांच फंदे सीधे, अब ये सिलाई कंप्लीट हो गई। अब देखिए हम फिर से रॉन्ग साइड में आ गए, तो इधर से हमें इसे पूरा उल्टा बुनना है। फिर देखिए जब हम राइट साइड में आएंगे तो अब की बार इस वाले फंदे को ऐसे लेकर के इसमें बुन देना है और फिर रॉन्ग साइड में हम उसके बाद पूरा उल्टा बुनेंगे। तो ये मैं आपको तीन सिलाइयाँ बनाकर फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए
ये सिलाई कंप्लीट हो गई है और हमारा ये डिज़ाइन भी बनकर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए जब हम रॉन्ग साइड में आएंगे तो हमें वापस से ये वाइट कलर लगाना है और जैसे हमने यहाँ पहली सिलाई से स्टार्ट किया था वैसे ही हम पूरा यहाँ से यहाँ तक वापस से बनाएंगे, तो हमारा यही पैटर्न जो है ऊपर रिपीट होते जाएगा। नहीं देखिए मैंने ये बना रखा है पहले से, तो देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। जब आप स्वेटर में डालें तो आप यहीं देखिए नीचे बॉर्डर बना करके फिर आप जो रॉन्ग साइड से है वैसे स्टार्ट करें, कितना प्यारा लग रहा है ये डिज़ाइन। तो यही चीज़ आपको बार बार रिपीट करते जाना है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।